नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह, अन्य टैक्स ऑफ LLP टैली सर्टिफाइड पार्टनर। दोस्तों आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया मॉड्यूल लेके आ रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही काम का ये मॉड्यूल। छोटा सा अडाउंस है बट ये मोस्टली क्लाइंटों के लिए रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों रिप्लेस एग्जिस्टिंग टाइटल इनवाइस डिटेल्स। बहुत सारी टाइटल्स ऐसी होती हैं दोस्तों जो टैली में इनवाइस के में जो आपका बाय डिफॉल्ट होता है बट वो आप चेंजेस नहीं कर सकते, बट आपकी बिजनेस में वो रिक्वायरमेंट होती है कि यहाँ पे कुछ वहाँ सब्जेक्ट चेंज करके आप उसको इनवाइस बिल कर सको। बट ये छोटे से अडाउंस के लिए कस्टमाइजेशन, आपको कोई भी सब्जेक्ट या टाइटल चेंज करने के लिए आप कोई प्रोग्रामर से आप बात करते हो दोस्तों तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग देनी पड़ती है। बट हमने ये छोटा सा एडॉन डेवलप कर रखा है कि आपको इसी एडॉन में जितने भी टाइटल्स हैं आप उनको चेंज कर सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट है। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, सारा इस एडॉन में दिखाऊंगा और कैसे आपको ये मिलेगा पूरा। एंड तक ये वीडियो देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है आपको रेड कलर में, सो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जैसे कि अन्य टैक्स ऑफ LLP की कोई भी वीडियो आपको आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे आ गया। यहाँ पे देखिए मैंने कंपनी ओपन कर ली है। यहाँ हेल्प में जाके यहाँ पे TDL एडवांस में जाता हूँ। यहाँ एडवांस में मैंने ये रिप्लेस एग्जिस्टिंग टाइटल इनवाइस डिटेल ये अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ पे F6 में जाओगे। F6 में एक एडवांस फीचर का ऑप्शन आ रहा है, रिप्लेस एग्जिस्टिंग टाइटल इनवाइस डिटेल्स। इसको इनेबल कर दीजिए, इनेबल करके यस कर दीजिए, यस करके इसको सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाइए, अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है वाउचर टाइप। वाउचर टाइप में जाएंगे दोस्तों, आप कौन से सेल इनवाइस में आपका जो आपने वाउचर टाइप क्रिएट कर रखा है उस सेल इनवाइस को ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने सेल्स को ओपन कर लेता हूँ, ये वाउचर टाइप है मेरा। यहाँ पे ओपन करते ही देखो आपको एक यहाँ पे ब्लू कलर में ऑप्शन आ रहा है, रिप्लेस एग्जिस्टिंग टाइटल इनवाइस डिटेल्स। यहाँ पे नो होगा, इसको कर लीजिए यस। यहाँ करते ही दोस्तों यहाँ पे आ रहा है सेट इनवाइस डिटेल्स टाइटल एज पर रिक्वायरमेंट। आपकी कंपनी में जो भी रिक्वायरमेंट है आज पर, जैसे जो बाय डिफॉल्ट चीजें आपकी सब्जेक्ट दिखती है इनवाइस में, ये इसके टाइटल को आप चेंज कर सकते हो जो बाय डिफॉल्ट फिक्स है टैली के थ्रू के द्वारा, जो टैली ने आपको दिया है इसको आप बाय डिफॉल्ट चेंजेस नहीं कर सकते। बट दोस्तों ये एड ऑन लगते ही आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया इनवाइस नंबर। अब आपको लगता है यार ये इनवाइस नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ना इनवाइस नंबर कैपिटल में होना चाहिए। अब मैंने इनवाइस नंबर कर दिया और इस तरीके से दिखे, इस तरीके से ये इनवाइस नंबर होना चाहिए। यहाँ पे एंटर करके सेव कर, आपको जो और भी कोई चेंजेस करना है यहाँ पे कर दिया। इनवाइस डेट, अब आपको लग रहा है इनवाइस डेट ना मुझे ना ऐसा रखना है, इनवाइस डेट इस तरीके से। कोई चेंज करने हैं मोड ऑफ टर्म पेमेंट, यहाँ पे कुछ चेंजेस करने, अदर रेफरेंस में कुछ लिखना है, सपोज करो अदर रेफरेंस में कुछ मैं लिख देता हूँ निधीश, आपको जो भी लिखना है। मैं आपको एक जनरल आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप इसको सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। निधीश कर लिया, मोटर व्हीकल में नंबर कुछ लिखना है, केवल व्हीकल, मोटर व्हीकल नंबर लिखना है आपको लिखना है कि नहीं है, केवल व्हीकल नंबर लिखना है, VEHICLE व्हीकल नंबर ऐसे ब्रैकेट में, ऐसा होना चाहिए। अब मैंने ये टाइटल क्या किया दोस्तों, टैली का बाय डिफॉल्ट क्या है इनवाइस नंबर स्मॉल में था, अब मैंने इसको कैपिटल में कर दिया। यहाँ पे इनवाइस डेट क्या था लिखा हुआ था स्मॉल में, मैंने इसको कैपिटल में कर दिया। यहाँ पे अदर रेफरेंस की जगह निधीश होना चाहिए, जो भी आपको, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, मोटर व्हीकल नंबर की जगह व्हीकल नंबर होना चाहिए प्रिंट में। ये आपको यहाँ पे ये सब्जेक्ट चेंज के साथ साथ आपको प्रिंट में भी आपको ये चेंज हो जाएगा। एंटर करूंगा, यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं आ जाऊंगा वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद यहाँ एफ से यहाँ पे सेल आ रहा है, यहाँ पे एंटर करता हूँ, यहाँ पे डेट डाल दिए सपोज कर आज का 1 अप्रैल, यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, कंट्रोल ए यहाँ पे ले लेता हूँ सॉफ्टवेयर, चलो यहाँ पे ले लिया, एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन मैंने यहाँ पे डिटेल्स जो डाली है, एंटर कर देता हूँ,
यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे सेल इनवाइस पे आ गया, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे पार्टी का नाम ले लिया, यहाँ पे डिटेल्स देखिए जो भी आपको डिटेल देना है, जैसे डेस्टिनेशन, यहाँ पे इनवाइस डेट क्या था जो भी आपको डालना है, यहाँ पे देखिए मैंने मोटर व्हीकल नंबर के जो भी नंबर डाला था यहाँ पे डाल देता हूँ, नंबर डाल के मैंने यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे सेव कर लिया। आइटम ले लेता हूँ, एंटर कर दिया, यहाँ पे ऑल्ट पी करता हूँ, यहाँ पे एंटर कर लिया मैंने, यहाँ पे प्रीव्यू देखता हूँ कि मेरे सब्जेक्ट जो भी टाइटल थे डिफॉल्ट चेंज हुए। ये देखिए दोस्तों, इनवाइस नंबर मैंने जो स्मॉल में था मैंने इसको क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया, कैपिटल में चेंज। इनवाइस डेट स्मॉल में था मैंने कैपिटल में किया था तो यहाँ कैपिटल में चेंज हो गए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने निधीश लिखा था अदर रेफरेंस में, यहाँ पे निधीश आ गया, आप यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइटल चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए व्हीकल नंबर लिख दिया, व्हीकल नंबर मोटर था, मोटर व्हीकल नंबर लिखा हुआ लेकिन मैंने व्हीकल नंबर लिख दिया। इस तरीके से दोस्तों जितने भी चीजें हैं इसमें, जो भी डिफॉल्ट आपके टाइटल्स हैं उस टाइटल्स को आप चेंज कर सकते हो, वो प्रिंट में आपको शो करने लगेगा। तो इस तरीके से ये मॉड्यूल वर्क करता है। यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने दिखाया था, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे सीधे जाना है अल्टर में, यहाँ पे वाउचर टाइप में जाना है, यहाँ पे जो भी वाउचर टाइप होगा आपका, यहाँ पे इसको यस करिए, एंटर करके आप इसी तरीके से जो भी आपके टाइटल्स हैं आप अपने अकॉर्डिंग्स इसमें सारे, देखिए कितनी चीजें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लगभग 14 सब्जेक्ट हैं जो आपको डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हो, डिलीवरी नोट की जगह कुछ और रख सकते हो, बायर ऑर्डर नंबर डेट की जगह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दोस्तों आपके रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई अदर सब्जेक्ट या टाइटल्स चाहिए तो आपको इसके आगे से आप टाइटल्स यहाँ डाल सकते हो, प्रिंट आउट में वही आएगा, ये चीज़ें नहीं है जैसे यहाँ पे स्मॉल बाय डिफॉल्ट था बट मैंने कैपिटल में लिख दिया, आप कुछ और भी लिख सकते हो उस तरीके से, कुछ और भी चेंज हो सकता है। यहाँ पे जैसे इनवॉइस नंबर है मैंने लिख दिया बस, यहाँ पे बिल नंबर एंटर कर दिया, यहाँ पे इनवॉइस डेट है केवल मैं लिख देता हूँ डेट, एंटर कर दिया, कंट्रोल ए सेव कर लिया। अब मैं वाउचर में जाता हूँ, यहाँ पे ऑल्ट पी करता हूँ, करंट करता हूँ, 1 अप्रैल करंट, ऑल्ट पी करंट कर लीजिए, प्रीव्यू कर लीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिल नंबर लिख दिया मैंने, बिल नंबर आ गया, टोटली सब्जेक्ट जो बाय डिफॉल्ट टैली का था वो चेंज हो गया। यहाँ पे इनवाइस डेट की जगह केवल डेट लिख दिया मैंने, यहाँ पे डेट आ गया दोस्तों, यहाँ निधि ऑलरेडी था ही। तो इस तरीके से जितने भी आपके टाइटल्स हैं बाय डिफॉल्ट आप उसको चेंज कर सकते हो छोटे से ये एडॉन में। ये एडॉन आप लोगों को कैसा लगा, किस वो मुझे रिक्वायरमेंट है दोस्तों ये एडॉन्स, छोटी सी एडॉन्स की, तो आप मुझे अपना टैली का सीरियल नंबर, कंपनी नेम और वीडियो का लिंक मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो नंबर है 9560488 07, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, आपको ये प्रोवाइड हो जाएगा। इसका कॉस्ट जो हमने रखा है ओनली 499 रुपीज, ये लाइफ टाइम के लिए आपको मिलेगा दोस्तों। पेमेंट की डिटेल्स है, आप इस पर स्कैन करके पेमेंट भी कर सकते हो, या आप व्हाट्सएप पे लिखोगे तो मैं व्हाट्सएप पे आपको बैंक डिटेल्स शेयर कर सकता हूँ, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और आपको टैली से रिलेटेड कोई आपको रिन्यूअल कराना है, टैली की AMC लेनी है, कस्टमाइजेशन करना है, कोई इंटीग्रेशन करना है, सब कुछ हम लोग वर्क करते हैं। आप इस नंबर पर कॉल करिए, आपको टैली से रिलेटेड कोई भी इंटीग्रेशन, रिन्यूअल, बाय करना है, न्यू करना है, सब कुछ आने टैक्स ऑफ LLP आपको करके। अगर ये एडवांस अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।